गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है, ओह शिट, 12 बज रहे हैं अभी। एंड मैं अभी अपना करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया था आज। तो अभी मैं खा रहा हूँ अपनी ये आलू पार्टी, 6 ब्रेड स्लाइस, 250 ग्राम आलू। और हमें 3 बजे जिम जाना है। मैंने अपना थोड़ा टाइम पहले कर दिया, बिकॉज शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप एक जगह डंबल रख के जाओ, 10 सेकंड बाद गायब। इसलिए 3 बजे, 3:30 बजे एकदम खाली रहता है। आई कैन शूट, आई कैन जस्ट हैव माई ट्रेनिंग अच्छे से। सुपर सेट्स कर सकता हूँ, जायंट सेट्स कर सकता हूँ विदाउट थिंकिंग कोई केबल ले जाए, कोई डंबल ले जाएगा। आज आप लोगों को मैं एक फुल लेग वर्कआउट के थ्रू लेके जाने वाला हूँ। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर स्क्वाट। ऑल्सो ट्रिप से आने के बाद ये पहली बार है जो मैं कैमरा से व्लॉग कर रहा हूँ। एंड अभी मैं वही अपना एपिसोड 3 एडिट कर रहा था। एंड यार, इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना कलर ग्रेड करके, बिकॉज 10-बिट फुटेज प्लस 4K, देयर सो मच डिटेल दैट यू कैन पुल आउट। लाइक अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, एक वीडियो का एक फ्रेम कैसे बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एकदम हाईलाइट्स ब्लोन आउट हो रखी थी, शेडोज बहुत ज़्यादा डार्क थी। एंड मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा नीचे ऐसे पुश करूँगा तो नॉइज़ ज़्यादा आएगी या फिर एकदम डल या फ्लैट हो जाएगी इमेज। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा डिटेल कैप्चर करता है ये। इवन तो मैंने लॉग में नहीं शूट किया, मैंने एक अपनी कस्टम जो पिक्चर प्रोफाइल है उसमें शूट किया था। काफ़ी मज़ा आया मेरे को इसको कलर ग्रेड या फिर वो एक टीलिश ऑरेंज लुक देने में। तो आई थिंक ऑलरेडी ये डल चुका होगा ये वाला एपिसोड, सो आई जेनरली होप दैट यू लाइक दिस, बिकॉज मेरे को काफ़ी मज़ा आया इसको एडिट करने में। काफ़ी रॉ था, काफ़ी फन था। तो एनीवे, अभी जाने से पहले यही बोल रहा है कि इसको मैं जितना हो सके ख़त्म करूँ। अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो दिस वॉज द नॉर्मल लुक। ये भी काफ़ी अच्छी थी नो डाउट, लेकिन आई डोंट थिंक आपको ये दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में, बट पीछे से थोड़ी और ज़्यादा डिटेल आ गई है, थोड़ी ऑरेंज टीलिश से लुक आ गई है। एंड ये एक सेकेंड फ्रेम जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा कि पीछे एकदम ब्लोन आउट्स हो रखी हैं, हाईलाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ये वाइट्स का सेक्शन होता है इतना ऊपर, तो ये काफ़ी 255 नंबर से भी ऊपर क्रॉस कर रखा है। एंड दिस इज़ आफ्टर, तो यू कैन सी, नाउ वी कैन सी दोज लिटिल क्लाउड्स इन द बैकग्राउंड, सम डायनामिक रेंज, ब्लूज एट्सेट्रा, एंड एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। इसके बीच में रोना चाहिए यूजली। एंड ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, बट इट्स ओके। तो इससे पहले हम अपनी ट्रेनिंग करने जाए, मैं आप लोगों को मसल ब्लेस के ये नए फिश ऑयल सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि फिश ऑयल सिर्फ जो लोग जिम जाते हैं फिर डाइट करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये एक जनरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है अपनी डाइट में इंक्लूड करने से। ये इंडिया का एक पहला और लौता फिश ऑयल सप्लीमेंट है जो सर्टिफाइड है लैबडोर USA से। इसमें कोई भी हैवी मेटल्स जैसे लेड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा नहीं है, और ये कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है। ये लैबडोर सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है कि जो वैल्यूज लेबल पर लिखी हैं वहीं आपको हर कैप्सूल में भी मिल रही हैं। सो यू शुड ऐड दिस इन योर एंड योर फैमिलीज डेली डाइट। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक करें एंड यूज़ माई कोड SIDMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो मैं अभी जिम पहुंच चुका हूं। आई जस्ट गॉट डन विद माई जो प्री स्क्वाट मोबिलिटी, जो मैं ड्रिल्स वगैरह करता हूं, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी चैनल पे। एंड आप वो भी फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यू नो इनकॉर्पोरेट देम बिफोर योर नेक्स्ट स्क्वाट सेशन। बट एनीवे, आप लोगों को आज मैं 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना स्क्वाट टेक्निक इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। एंड दीज आर द 3 पॉइंटर्स दैट आई वुड एडवाइज यू दैट आप भी इनकॉर्पोरेट करो, जिससे आपका स्क्वाट एग्जीक्यूशन भी इम्प्रूव हो जाए। तो पहली टिप जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ इनिशिएशन। आइडियली प्रैक्टिस विद एन एम्प्टी बारबेल ओनली, और अगर आप एक बिगिनर हो तो बिना बारबेल के। नाउ मोस्ट लोग जो पुश करते हैं दैट इज़ इधर लाइक दिस और लाइक दिस। नाउ यू वॉन्ट कि आप साइमल्टेनियसली ब्रेक करो फ्रॉम योर पेल्विक एंड फ्रॉम योर नीज। तो इमेजिन एक रस्सी बांध रखी है, फिर एक बैंड बांध रखा है नीज पे भी और हिप्स पे भी, जो आपको साइमल्टेनियसली आगे और पीछे पुल कर रहा है। सो बेसिकली नीज आगे पुल कर रहा है, हिप्स को धीरे धीरे पीछे पुल कर। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो यू प्रैक्टिस दिस मूवमेंट हल्का हल्का साइमल्टेनियसली, एंड विद एवरी रेप योर गोल शुड बी आप धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा नीचे जा रहे हो। So descending just slightly below, come up. Now second tip, जो बहुत लोग I think नहीं focus करते हैं, a tripod foot, जो आपका first और foremost contact point होता है ground के साथ, that is your feet only. So you want कि आपका tripod feet set हो, this, this and this आपका contact रहेगा। जैसे आप हाथ से grab करते हो floor को, that is the idea behind it. तो उससे आपके जो आपके जो आपकी जो foot muscles हैं उससे आपको floor को grab करना है, एंड देन यू विल फील दैट यू आर मोर स्टेबल, यू आर मोर इन कंट्रोल एंड फाइंड योर सेंटर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना वेट विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड और यहाँ पे उनका ठीक होएगा, नीचे जाते हैं तो यू सी फ्रंट फुट पे बहुत ज़्यादा वेट शिफ्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा कि हील्स उठने लगी हैं, या फिर बैक फुट पे इतना कर देते हैं कि डिसबैलेंस हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वेट शुड बी अराउंड योर मिड फुट एरिया। तो यू बेसिकली ग्रैब द फ्लोर, कम हियर,
slowly. So ultimately we want to build good muscle memory, जिससे हो सकते हैं आप अभी हल्के वेट्स पे नहीं पता चलेगा when you're doing 50-60 kgs, but when you enter the leagues of like 160-180 kgs, तब even the slightest difference will have a massive effect on the stress that is placed on your body. So you want कि आपके जो movements हैं, जो आपकी execution है, that is in place. And जैसे मैंने बोला, ये एक skill है, तो once you spend enough time practicing it, बाद में it will become your second nature. बाद में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप you will be in center, will be squatting as optimally as possible without thinking even twice. Third tip जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी important है, ये मैंने भी थोड़ी time बाद सीखी. So ये कोच गोकू के mind over muscle वाला जो webinar था, उसमें मैंने सीखी थी अपर वर्क स्टैकिंग बेसिकली. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जब बार ग्रैप करते हैं, उनकी बहुत लूज ग्रिप रहती है. तो इमेजिन दिस इज़ अ बार, आपने बार को पकड़ा, ये ग्रिप रहती है उनकी यूजली. या फिर बहुत लोग तो ऐसे भी पकड़ लेते हैं एंड आप स्क्वाट कर रहे हो. नाउ इमेजिन एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, लाइक योर एंकल मोबिलिटी, योर एग्जीक्यूशन, योर सेंटर लाइन, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट. आपकी कोर एंगेजमेंट भी है, बट आपकी अपर बैक मसल्स aren't properly engaged. So take this band, imagine कि ये बार है. Now try to pull it apart जितना हो सकता है. आपने ये रखा, find your rack position, pull it apart and pull it slightly into your body. So pull the bar in and apart. Then you will feel your upper back muscles, जो यहाँ पे scapular muscles हैं, they will start working. वो काफ़ी ज़्यादा आपको feel होने वाली है. You will feel a massive difference between your technique पहले and now. क्योंकि पहले आपके इतना ज़्यादा जो एक key element है वो missing है. तो यही चीज़ अगर हम bar पे implement करें, तो naturally जो आपकी rack position रहती है, आप उसमें जाओगे. This is a comfortable point for me. Now what I'll do is, I'll pull the bar in. So you see, slight सा difference होएगा बहुत. I pull it in to my traps and I pull it apart. So think of pulling the bar apart, जैसे कोई आप band को या फिर towel को खींच रहे हो. And then you start squatting down. ठीक है, now descent में तो ठीक है, but आप अब जब concentric है या फिर जब आप ऊपर push कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर tension lose कर देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, या फिर basically their upper back muscles are not properly engaged, their posterior shoulder muscles जो यहाँ वाली होती हैं, right? So you want ki even if your body forces yourself to bend forward, you try to keep this pulled in and maintain this position against the force that your body is giving. Even if your body forces you to compensate like this, try to maintain this posture, push with your upper back into the bar. So idea behind this ki aap apni upper back se bar ke andar push kar rahe ho jab aap upar uth rahe ho. So you go down, you pause, and jaise aap upar aa rahe ho, so try not to give in to this feeling. जब weight heavy होता है especially, तब ये लोग करते हैं as a way to compensate to get the weight up. But no, you have to resist this feeling. Push your body into the bench and then come up. So in one smooth motion, this will look something like this. This will massively improve your squat technique and execution. Pay attention to the little things because they all add up in the bigger picture. So अब next time जब करोगे, आपको feel होगा कि bar properly stacked up है, you are more in control of the movement, your body will feel as one unit. If you look at elite powerlifters या फिर उनके अगर आप competition level lifts देखोगे, even though उनके PRs होते हैं वो, like they're 300 kgs, 320 kgs, but they go up in one fluid motion, बिल्कुल भी उनके अंदर shake नहीं होता, बहुत ज़्यादा stable होता है. And it is so fascinating to see कि वो weight जो कि एकदम maximal load है उनके लिए, how are they lifting it so fluently, like so smoothly? And that is all to do with all these little details, all these little things that they have been practicing, जो skill उन्होंने build करी है. And ये normally आप जब gym जा रहे हो, squat कर रहे हो, ओवर द टाइम अपने आप नहीं होने वाली है, आपको कुछ अलग अलग एलिमेंट लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो आई होप यू प्रैक्टिस ऑल दीज थ्री मूवमेंट्स. हम और भी कवर करेंगे आगे जाके फ्यूचर पॉइंट्स, बट अभी के लिए ये तीन टिप्स इंप्लीमेंट करना है. बताना कमेंट सेक्शन बिलो में कि कैसा लगा आपको. यार मैं अपना अब पहला वर्किंग सेट स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है 110 केजी से एंड इनटू 6 रेप्स. तो मैं अभी हूँ ये वीक 2 अपने एवॉल्व प्रोग्राम के जो मैंने बनाया था. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने एवॉल्व प्रोग्राम का या फुल पुश लेग्स ट्राई किया होगा. बट अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है, इस एवॉल्व प्रोग्राम में आपको 3 वर्कआउट स्प्लिट मिलेंगे एंड बहुत बहुत सारे टूल्स, डी लोड्स, टर्म्स, डाइट ब्रेक्स, रीफीड, सैम्पल मील प्लान्स एंड न्यूट्रिशन टेबल पर 100 ग्राम की बहुत सारी आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, जो मैंने पिछले 6-7 महीनों से काम किया है पूरा लिखने में. ऑनेस्टली दिस वॉज अ बिग डील फॉर माई सेल्फ. आई नेवर थॉट दैट आई कुड एवर राइट समथिंग लाइक दिस. बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसके ऊपर यार लिखने में. आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक जितना हो सके, टू गिव यू गाइज अ कम्प्लीट इन्फो पैक्ड PDF.
तो आपको ये टूल सिखाएगा दैट यू कैन एक्चुअली यूज इवन आफ्टर द प्लान एंड्स, जो आपको आगे तक आई थिंक 4-6 ईयर्स डाउन द लाइन आपकी ट्रेनिंग में, आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम टू प्रोवाइड टू टीच यू गाइस ऑल द टूल्स, ताकि आप आराम से यू कैन यूज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल. सो अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट ऑन sitfit.co.in. एनी आर द लॉन्च डिस्काउंट इज स्टिल लाइव ऑन द वेबसाइट. यू विल फाइंड द PDF फॉर ओनली 1800 rupees. द ओरिजिनल प्राइस इज एट 3000. तो आपको अभी भी 40% डिस्काउंट अवेल करने को मिलेगा. इट्स ओनली फॉर लास्ट फ्यू 100 पीपल लेफ्ट. सो गो एंड बाय इट राइट नाउ एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द इवॉल्व प्रोग्राम हेल्प्स यू आउट. आई विल नेवर सरेंडर. Not going down, I'm gonna stand my ground till the final hour, till the fight is over. Gonna soldier on, 'cause I'm an army of one. Gonna feel my power till the fight is over, till the fight is over, till the fight is over. I'll never surrender. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला इस लेग वर्कआउट से या फिर जो मैंने टिप्स दी थी. तो अगर आप भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ढूंढ रहे हो जो आपको जिसमें स्ट्रक्चर मिले, जिसमें आपको टूल्स मिले, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है, कब करना है, डीलोड कब लेना है, ऑल द टूल्स, द वाइज एंड हाउस टू डू इट, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द इवॉल्व प्रोग्राम वाइल द लॉन्च डिस्काउंट इज स्टिल रनिंग टू अवेल एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.